नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये वीडियो है सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में। अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा? आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल आइडिया बताना चाहता हूं, या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ सेंट्रल आइडियाज़ बताना चाहता हूं। दोस्तों, किसी क्लासरूम में जाइए और बच्चों से पूछिए उनकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है, तो कोई आपको जलेबी बताएगा, कोई आपको रसगुल्ला बताएगा, कोई आपको बर्फ़ी बताएगा, कोई आपको मिल्क केक भी बता सकता है। दोस्तों, इन सब का सेंट्रल आइडिया है जो इसमें कॉमन है, दैट इज शुगर, यानी कि चीनी। ऐसी अगर उनकी वो डिश पूछें जो नमकीन हो, फिर चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, पास्ता हो, इन सब में कॉमन है सॉल्ट। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ऐसी अगर रामचरितमानस की कहानी की बात करेंगे तो इसका सेंट्रल आइडिया है सत्य या सच्चाई। आप ये भी कह सकते हैं मर्यादा इसका सेंट्रल आइडिया है। ऐसी अगर महाभारत की कथा के बारे में बात करेंगे तो इसका सेंट्रल आइडिया है द बैटल ऑफ एक्सलेंस। वैभव पाने की एक लड़ाई है, चाहे वो हस्तिनापुर का राज हो, या इंद्रप्रस्थ का राज हो, या कुरुवंश के सिरमौर बनने की लालसा, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब रही बात आपके सिलेबस की, तो जैसे फर्स्ट ईयर की एक पोएम है अ फोटोग्राफ, सिंपल समझ लें, अ फोटोग्राफ इज द सिंबल ऑफ मेमोरीज। अ फोटोग्राफ इज अ सिंबल ऑफ मेमोरीज, ईदर स्वीट और बिटर, मीठी या कड़वी यादों का एक मुजस्मा है, या फिर एक सिंबल है, प्रतीक है फोटोग्राफ। तो जब भी हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें याद दिलाता है उन लम्हों के बारे में जो शायद खुशियों से भरे हों या फिर गम से। इसका सेंट्रल आइडिया हो गया। ऐसी एक दूसरी पोएम के बारे में बात करेंगे जिस पोएम का नाम है द लैबर्नम टॉप। दोस्तों, ये पोएम बता रही है कि दैट इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऑल द ब्यूटी कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स, खूबसूरती जीवित चीज़ों से आती है। जैसे स्कूल में बच्चों से खूबसूरती है, घर आंगन में बच्चों की किलकारियों से खूबसूरती है, ऐसे ही पेड़ पौधों पर जो चिड़ियाँ हैं उनकी जो चहचहाहट है उससे सुंदरता होती है। उसके बगैर वो सब जगह वीरान हो जाती है, बेजान हो जाती है। 12th क्लास की पोएम्स की बात करेंगे, बहुत खूबसूरत पोएम है माई मदर एट 66। सिंपल सेंट्रल आइडिया है, द पोएम इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड हर डॉटर। एक माँ जो बूढ़ी हो चुकी है उसकी बेटी से, और तो मदर और डॉटर के इस रिलेशन की कहानी है माई मदर एट 66। तो बेटी या बेटा हमेशा अपनी माँ के बारे में कंसर्न होते हैं, चिंतित होते हैं, चाहे वो छोटे हों और माँ अभी यंग हो, या फिर माँ जब बहुत बूढ़ी हो जाती है उनकी चिंताएँ भी उतनी ही ज़्यादा पढ़ जाती हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। पोइट बड़े प्यार से समझाना चाहता है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज ब्रेड एंड बटर एंड बेसिक नेसेसिटीज। दुनिया की जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, छोटी छोटी खुशियाँ, इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अगर एजुकेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होगी, और सही मायनों में तभी एजुकेशन पूरी हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए, ये बहुतों के काम आ सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, नमस्कार।